दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है। दो दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन दो दिनों में क्या करना चाहते हैं? अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा, उनको आज समझ में आ गया है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार रही है और उनके नाम पे दिल्ली की जनता वोट नहीं कर सकती, इसीलिए किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। इट इज देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी। इट इज फॉर मिस्टर केजरीवाल एंड हिज पार्टी टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ दिस डिसीजन एंड एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग टू बी their future course of action.